रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये सामने स्टार गेट कराची एयरपोर्ट जाने का रास्ता और हम हैं शाहराह फैसल पे। गर्मी बहुत सख्त है लेकिन साथ साथ हवा भी तेज़ चल रही है। तो रास्ता दिखाते हैं आपको शाहराह फैसल से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैफिक की गर्मी में। ये सब जानने के लिए हमारे साथ चलिए। इतने ज़्यादातर हम आपको माहौल दिखाएंगे, इलाका दिखाएंगे। और ये रहा मेट्रो। ये है शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज। इस पे से होकर हम उल्टे हाथ पे टर्न करेंगे तो शाह फैसल कॉलोनी में चले जाते हैं। बीच सड़क पे बसें रुक रही हैं। जो उतरने का रैंप है शाह फैसल कॉलोनी के ब्रिज का, दरख्तों का साया कहीं कहीं मौजूद है। बस की हालत देख लीजिए आप। और रेस लगाती हुई मिनी बसें और दरमियान में मोटरसाइकिलें हॉर्न बजाती हुई। और ये आगे जा रही है रेड बस, पीपल्स बस सर्विस है बेसिकली। ग्रीन वाली जो सेकंड लॉन्च हुई थी, एसी चल रहा है, उसका पानी नीचे बह रहा है सड़क पे। और अब हम नाथा खान ब्रिज पे सवार होने जा रहे हैं। R1 सामने से गुजरी है अभी। तो भाइयों, धूप जो है ना बहुत शदीद है, गर्मी है, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। ताकि जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती रहें। तेज़ रेस लगाती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं, कोचेस नाथा खान ब्रिज पे से। अब हम रैंप पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं। दोपहर का वक्त है इस वक्त, 12:30 बजे का तकरीबन टाइम है। आगे एक और ब्रिज आ रहा है, हम उस पर चढ़ेंगे और वो ब्रिज हमें राशिद मिन्हास रोड पे कनेक्ट कर देगा। और पीछे से आ रही है एम्बुलेंस हॉर्न बजाती हुई। ले भाई, हम ब्रिज पे आ गए हैं।
अब वो है डिग रोड स्टेशन। ये एल शेप ब्रिज है जिससे हम राशि विनाश रोड पे उतरेंगे जाके। सामने से R2 जा रही थी। इन बसों की बहुत शदीद ज़रूरत है कि इनको बड़े पैमाने पे कराची की सड़कों पे चलाया जाए ताकि लोगों को सफ़र की सहूलियात मैसर आ सके। अभी बहुत ही कम बसें हैं, चंद सौ बसें चल रही हैं इस वक्त कराची में, जबकि ज़रूरत है कम से कम 10 से 15 हज़ार बसों की, ताकि इन रिक्शों से, इन चिंची रिक्शों से निजात मिले कराची के शहरियों को। और हर कोने में ये बसें चलनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे मुस्तफीज हो सकें। सीधा जाएंगे तो आगे जाके गुलिस्तान जौहर की तरफ रास्ता जाता है, और अगर इसी रोड पे हम स्ट्रेट चले आएँ तो नया नाज़माबाद पहुंच जाते हैं। ये रोड सीधी मुख्तलिफ़ पुलों और चौरंगियों से और रास्तों से होती हुई सीधा नया नाज़माबाद पहुंचाएगी। और ये गर्मी में लोग पानी पी रहे हैं, कूलर लगे हुए हैं यहाँ पर, किसी अल्लाह के बंदे ने कूलर लगा दिए। और ये अब हम ब्रिज, एक और ब्रिज पे सवार हो रहे हैं। मिलीनियम नीचे है और मुख्तलिफ फूड रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं यहाँ पे। सीधे हाथ पे सिनेमा हाउसेज हैं और सामने मिलीनियम की बिल्डिंग नज़र आ रही है। और ये किसी की मोटरसाइकिल पंचर हो गई है भाई, पंचर में तो मदद नहीं कर सकते। हाँ, पेट्रोल की मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गाड़ी पंचर है लिहाजा माजरत, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं बिल्डिंगों पे जो कि अदालत आलिया के तहत नाजायज़ हैं, लेकिन सब चल रहा है भाई। और ये सामने पेडिस्टेरियन ब्रिज पे भी बैनर लगा है, बिल्डिंग पे लगा हुआ है। ये सामने RJ मॉल है, RJ शॉपिंग मॉल, जहाँ पे काफ़ी बड़ी ख़तरनाक आग लगी थी कुछ अर्से कबल। यह है जौहर मोड़, यह है गुलिस्तान जौहर का इलाका जहाँ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। गन्ने के जूस पे भी रश है, लोग शरबत पीने में मसरूफ हैं। गर्मी से बचाव का सबसे अव्वलीन और बेहतरीन तरीका है वो ये है कि दरख लगाएं, माहौल को बेहतर बनाएं। सायादार फलदार दरख्त लगाएंगे
ना सिर्फ ये आपको फायदा पहुंचाएंगे बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी फायदा पहुंचाएंगे। अब ये दरख्त लगे हुए तो हैं कोर्नोकार्पस के, लेकिन कोई फ़ायदेमंद दरख्त नहीं है ये, ना ज़्यादा साया दे सकते हैं ना ही परिंदों के लिए फ़ायदेमंद है, उल्टा ये माहौल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि नीम के दरख्त लगाएं, जैसे कि देखें सायादार दरख्त हैं जो साया भी देते हैं और फ़ायदेमंद भी है और आबो हवा को भी चेंज कर देते हैं। ये अलादीन पार्क जब तक न बन सका टूटने के बाद, सामने एक दफा फिर ब्रिज आ रहा है, ब्रिजों की शहर है भाई ये, जहाँ देखो ब्रिज ही ब्रिज मौजूद है। अब नीपा का ब्रिज आएगा कुछ ही फासले पर है, और उसके साथ ही हम गुलशन इकबाल में चल रहे हैं इस वक्त। दोनों तरफ गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। नीपा का ब्रिज आगे जाके एक रैंप लेफ्ट हैंड पे जाता है जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे उतर जाता है, और वहाँ से आप उर्दू यूनिवर्सिटी से होते हुए सिविक सेंटर और जेल चौरंगी और फिर सदर की तरफ चले जाते हैं। ये कचरा उठाने वाली गाड़ी भी बगैर नंबर प्लेट के, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई अब तक इसकी। और इस वक्त हम हैं मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं। नीपा चौरंगी होती थी किसी जमाने में, और अब हम ब्रिज से नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेन राशिद मिन्हास रोड है ये, थी एक छोटी सी अपडेट नाता खान ब्रिज, और स्टार गेट से हमने शुरू किया नाता खान ब्रिज पर आए और फिर राशिद मिन्हास रोड पर आए। तो वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।